हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवपाल तिवारी है और आज हम लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, दैट इज द पीसीए। तो इसमें हम ये देखेंगे कि पीसीए है क्या, इसका मीनिंग क्या है, एंड हु इम्पोज द पीसीए, हु रिकमेंडेड द पीसीए, एंड पीसीए इम्पोज बाय द विच बॉडी अगेंस्ट द हुम। ठीक है, तो जैसा कि अभी रिसेंटली जो एग्जाम हुए, उन एग्जाम में मेंस में इन्होंने पूछा कि इन द पीसीए ए स्टैंड फॉर व्हाट। तो ए का मीनिंग आप जानते हैं एक्शन, और पीसीए का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान। ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान फ्रेमवर्क। सो पीसीए इज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आरबीआई एंड इट इज द क्वालिटेटिव टूल ऑफ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आप जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। मॉनेटरी पॉलिसी रूल्ड बाय द रेगुलेट बाय द आरबीआई टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी ऑन द ड्यूरेबल बेसिस। क्लियर। सो मॉनेटरी पॉलिसी हैव द टू इंस्ट्रूमेंट, क्वालिटेटिव एंड सेकेंड इज द क्वांटिटेटिव। सो पीसीए इज द क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेटेड बाय द आरबीआई अंडर द डायरेक्ट एक्शन। क्लियर है ना। तो ये जो हमारा टूल है पीसीए, ये आरबीआई की क्वालिटेटिव मॉनेटरी टूल्स का डायरेक्ट एक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये जो लिया जाएगा इन द पीसीए, द डायरेक्ट एक्शन टेकन बाय आरबीआई अगेंस्ट द वीकर बैंक्स, द पीसीए यूज्ड बाय आरबीआई अगेंस्ट द वीकर बैंक्स। वीकर बैंक्स का मीनिंग है यहां पर दोज बैंक्स विच नॉट जनरेट द प्रॉफिट, दैट मीन्स विच बैंक, दोज बैंक्स विच आर वर्किंग इन द लॉसेस। ठीक है, सो दोज बैंक्स विच आर वर्किंग इन द लॉसेस अगेंस्ट दोज बैंक आरबीआई यूज द पीसीए। अब बात करते हैं इसकी कि हु रिकमेंडेड द पीसीए। सो इन 2002 पीसीए रिकमेंडेड बाय द बिमल जालान कमेटी। आप जानते हैं कि बिमल जालान आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। सो इन 2002 प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान रिकमेंडेड बाय द बिमल जालान कमेटी, बट इन 2017 द पीसीए फ्रेमवर्क, पीसीए फ्रेमवर्क चेंज बाय द इन 2017 पीसीए फ्रेमवर्क चेंज बाय द उर्जित पटेल कमेटी। उर्जित पटेल जानते होंगे, इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, 24th गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो जो पीसीए रिकमेंड किया था बिमल जालान कमेटी ने इन 2002 में, और जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन को अगेन मोर फ्रेमवर्क करके स्ट्रेंथ किया, दैट इज बाय द उर्जित पटेल कमेटी, एंड एट प्रेजेंट उर्जित पटेल इज द 24th गवर्नर ऑफ द आरबीआई। ठीक है, तो हम ये समझ चुके हैं कि पीसीए इम्पोज बाय आरबीआई, इट इज द क्वालिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन विच आरबीआई टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द वीकर बैंक्स। वीकर बैंक्स मीन्स दोज बैंक्स विच नॉट जनरेट द प्रॉफिट, विच वर्क इन द लॉस मैनर। क्लियर। तो जब भी आरबीआई पीसीए इम्पोज करेगा, टू इम्पोज द पीसीए आरबीआई हैव फोर रिस्क पैरामीटर्स, टू इम्पोज द पीसीए आरबीआई हैव द फोर रिस्क पैरामीटर्स एंड थ्री रिस्क थ्रेशोल्ड। क्लियर। टू इम्पोज द पीसीए आरबीआई यूज्ड फोर रिस्क पैरामीटर्स एंड थ्री रिस्क थ्रेशोल्ड। तो हम ये देखते हैं कि विच आर दोज रिस्क पैरामीटर्स, ये जो रिस्क पैरामीटर्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट रिस्क पैरामीटर इज एनपीए, फर्स्ट रिस्क पैरामीटर इज एनपीए। एनपीए जानते हैं आप, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। ठीक है, लोन्स आर कॉल्ड असेट्स फॉर द बैंक, एंड इफ ऑन द लेंडिंग लोन विद इन 90 डेज बैंक नॉट गेट एनी इंटरेस्ट, सो दैट लोन कंसीडर्ड एज द एनपीए। तो जो पहला पैरामीटर है पीसीए का, दैट इज द एनपीए। द सेकेंड पैरामीटर इज प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में जो बैंक चेक करेगा, आरबीआई चेक करेगा, वो कासा रेशियो, कासा रेशियो
एंड एन आई एम कासा रेशियो आप जानते होंगे, करंट अकाउंट प्लस सेविंग अकाउंट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो एटलीस्ट कासा होना चाहिए, एटलीस्ट कासा 40%, और जो एनआईएम है दैट इज नेट इंटरेस्ट मार्जिन। नेट इंटरेस्ट मार्जिन की जो डेफिनेशन है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेज असेट्स ऑफ द बैंक एंड एवरेज लायबिलिटी ऑफ द बैंक, दैट इज कॉल्ड एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एंड द एटलीस्ट एनआईएम वैल्यू शुड बी हाउ मच, 3%। थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड, द थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड इज CAR, CAR का मीनिंग है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। एंड द फोर्थ रिस्क पैरामीटर्स इज लीवरेज रेशियो। सो इन द PCA देयर आर फोर रिस्क पैरामीटर्स। फर्स्ट इज द NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। थर्ड इज द प्रॉफिटेबिलिटी। एंड आई टू आइडेंटिफाई द प्रॉफिटेबिलिटी आरबीआई यूज टू पैरामीटर्स, कासा रेशियो एंड एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एंड द थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड इज CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। समटाइम्स CAR ऑल्सो नोन एज द CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशियो, या फिर इसको हम नेम दे सकते हैं CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और जो फोर्थ पार्ट है वो है हमारा लीवरेज रेशियो। ठीक है, सो दीज आर द फोर रिस्क पैरामीटर्स। अब जो इसके अंडर रिस्क थ्रेशोल्ड है, देयर आर थ्री रिस्क थ्रेशोल्ड। ठीक है, द फर्स्ट रिस्क थ्रेशोल्ड टू कट द सैलरी, द फर्स्ट रिस्क थ्रेशोल्ड टू कट द सैलरी ऑफ बैंक्स डायरेक्टर्स, टू कट द सैलरी प्लस वेजेस ऑफ बैंक्स डायरेक्टर्स। अगर बैंक लॉस में जा रही है तो पहले रिस्क थ्रेशोल्ड के अकॉर्डिंग बैंक के डायरेक्टर्स की सैलरी और वेजेस को कट किया जाएगा। एंड रिड्यूस द डिविडेंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स, एंड रिड्यूस द डिविडेंड्स ऑफ द शेयर होल्डर्स। तो आपको मालूम है कि बैंक के प्रॉफिट पर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको डिविडेंड एलोकेट किया जाता है, लेकिन अगर बैंक लॉस में जा रही है तो उनके जो डिविडेंड है, जो प्रॉफिट का डिविडेंड है, उसको भी कट किया जाएगा। दैट इज द फर्स्ट रिस्क थ्रेशोल्ड। सेकेंड रिस्क थ्रेशोल्ड इज, जो सेकेंड रिस्क थ्रेशोल्ड है, दैट इज टू स्टॉप द बैंक्स ब्रांच एक्सपेंशन, टू स्टॉप द बैंक्स ब्रांच एक्सपेंशन एंड रिक्रूटमेंट। ठीक है, टू कट द बैंक्स कॉस्ट, टू स्टॉप द बैंक्स ब्रांच एक्सपेंशन एंड डू नॉट हायर या डू नॉट रिक्रूट एनी एम्प्लॉय एंड स्टाफ, दैट इज द सेकेंड रिस्क थ्रेशोल्ड इन द PCA। एंड द थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड, द मर्जर ऑफ द बैंक्स, दैट मीन्स दोज बैंक्स विच आर वर्क इन द लॉस मैनर, दोज बैंक्स मर्ज विद द अनादर प्रॉफिटेबल बैंक, एंड द मर्जर ऑफ दीज बैंक्स आर कॉल्ड कंसोलिडेशन। सो इन द PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क देयर आर द फोर रिस्क पैरामीटर्स, NPA, प्रॉफिटेबिलिटी, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो एंड लीवरेज रेशियो। एंड देयर आर थ्री रिस्क थ्रेशोल्ड, टू कट द सैलरी प्लस वेजेस ऑफ द डायरेक्टर्स एंड रिड्यूस द डिविडेंड ऑफ द शेयर होल्डर्स। सेकेंड रिस्क थ्रेशोल्ड इज टू स्टॉप द बैंक्स फिजिकल ब्रांच एक्सपेंशन एंड ऑल्सो स्टॉप द एम्प्लॉय एंड स्टाफ रिक्रूटमेंट। एंड द थर्ड रिस्क थ्रेशोल्ड इज द लॉस मेकिंग बैंक मर्ज विद द अनादर प्रॉफिटेबल बैंक, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। सो दिस इज होल अबाउट द PCA प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान। सो एट प्रेजेंट आरबीआई इम्पोज द PCA
ऑन द 11 पब्लिक सेक्टर बैंक्स एट प्रेजेंट आरबीआई टेक द डायरेक्ट एक्शन पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान अगेंस्ट द 11 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अब ये जानते हैं कि ये पीसीए किन किन बैंकों पर एप्लीकेबल हो सकता है, पीसीए इज एप्लीकेबल अगेंस्ट हुज बैंक। तो अगर हम बात करें ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए इज एप्लीकेबल, तो हमारा आंसर है यस, ऑन द पब्लिक सेक्टर बैंक पीसीए इज एप्लीकेबल। नाउ ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स पीसीए इज एप्लीकेबल, तो आंसर है यस, ऑन द प्राइवेट सेक्टर बैंक पीसीए इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेमेंट की, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। तो ये याद रखिएगा दोस्तों कि ऑन द पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक द पीसीए इज ऑल्सो एप्लीकेबल। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर पर भी पीसीए एप्लीकेबल है, प्राइवेट सेक्टर पर भी पीसीए एप्लीकेबल है और पेमेंट एंड स्मॉल फाइनेंस पर भी पीसीए एप्लीकेबल है। लेकिन अगर हम देखें कि ऑन द आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स एंड ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स, ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स द पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान नॉट एप्लीकेबल। ये याद रखिएगा, ऑन द आरआरबी रीजनल रूरल बैंक्स एंड ऑन द कोऑपरेटिव बैंक्स द पीसीए इज नॉट एप्लीकेबल। सो एक्सेप्ट आरआरबी एंड कोऑपरेटिव बैंक पीसीए एप्लीकेबल ऑन ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, एग्जांपल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, पेमेंट बैंक्स एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। एंड एट प्रेजेंट आरबीआई इम्पोज द पीसीए प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन प्लान्स ऑन द टोटल 11 पब्लिक सेक्टर बैंक। तो ये आज हमने देखा कि पीसीए है क्या। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिटेल में जानेंगे कि सीएआर क्या है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, एंड व्हाट इज द लीवरेज रेशियो। ओके, थैंक यू।